नमस्ते बाल दोस्तों, आठवीं कक्षा में हम तीन इकाई देख चुके हैं। नई इकाई से परिचित होना है। आपने कविता या गान तो सुने हैं, तो हम अक्सर गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, गुनगुनाने का मजा आता है। आज जो इकाई हम पढ़ने वाले हैं वह एक कविता है। आइए उस कविता का गान सुनते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भोरे, गुन 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 करते भोरे। मस्त उधर मंडराते हैं नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही धर वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर
शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। तो दोस्तों, आपने एक अच्छा गान सुना, आपको मजा आया होगा। तो यह एक बढ़िया कविता है, एक अच्छी कविता है, उसका हमने गान सुना और अब हम उसका पठन भी सुनते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, नई प्रात है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मनराते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। दोस्तों, आपने उठो धरा के अमर सपूतों काव्य का गान भी सुना और उसका पठन भी अच्छी तरह से सुना। आप ये जानते हैं कि गान और पठन में कुछ भेद होते हैं। हर काव्य का गान नहीं हो सकता। कुछ काव्य ऐसे भी होते हैं जिनका हम गान नहीं कर सकते। जो गेय काव्य होते हैं उनका ही हम गान कर सकते हैं, लेकिन हर काव्य का पठन तो हम कर ही सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर शुरुआत में हमने इस अद्भुत काव्य का गान सुना और बाद में उसका पठन भी सुना। तो आपको यह तय करना है, आपको इस बारे में सोचना है कि किस तरह से गाया जाता है और किस तरह से पठन किया जाता है। गान की भी एक कला है, पठन की भी अपनी एक कला है। तो यहाँ पर हम अन्य एक कविता देखते हैं और उसका गान सुनते हैं और बाद में पठन भी सुनते हैं। धरती की शान तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तू पान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तू पान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है।
तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो दोस्तों यह कविता यह गीत हमने सुना, तो इसमें हमने इसका गान किया। अब हम इस कविता की कुछ पंक्तियों का पठन भी सुनते हैं। धरती की शान तू है प्रभु की संतान, धरती की शान तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से गान किया जाता है और पठन किस तरह से किया जाता है। दोस्तों आपने उठो धरा के अमर सपूतो इस काव्य का गान भी सुना, उसका पठन भी सुना। गान का अपना एक मज़ा है, उसी तरह पठन का अपना एक मज़ा है, अपना एक अनुशासन है। पठन की भी एक कला है, कौशल है, गान की भी एक कला है, कौशल है। अब हम इस कविता के कवि का परिचय प्राप्त करें। इस कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कवि परिचय, नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जन्मस्थल रोहता आगरा उत्तर प्रदेश, जन्मतिथि 1 दिसंबर 1916, मृत्यु तिथि 29 अगस्त 1998। साहित्य 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह, प्रसिद्ध कृति इतना ऊंचा उठो, माँ यह वसंत ऋतु, कौन सिखाता है चिड़ियों को, उठो धरा के अमर सपूतों इत्यादि। दोस्तों हमने उठो धरा के अमर सपूतों काव्य के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का परिचय प्राप्त किया। हम उनसे परिचित हुए, उनकी कृतियों से भी परिचित हुए, अवगत हुए। अब हम इस इकाई में आगे बढ़ते हैं, इस कविता का आस्वाद भी करेंगे और भी कुछ बातें सीखेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। We'll be right back.